और ये चिन्हों का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें संख्याओं की तुलना करनी। तो आज का हमारे पाठ का नाम क्या है? संख्याओं की तुलना। ये पाठ हमारा कौन सा है? पाठ 2 है, है ना? तो इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना का मतलब होता है जो हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हम क्या देखना चाहते हैं कि कौन सी हमारी चीज़ बड़ी है और कौन सी हमारी चीज़ छोटी है। तो हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं? संख्याओं की कर रहे हैं। तो संख्या में हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। क्या है? बोतल के ढक्कन है। तो बोतल के ढक्कन के ऊपर हमने लिख लिया इकाई, ढाई, सैकड़ा, और ये हम कर लेते हैं यहाँ पर 1000। इसके बाद हमने बचा लिए हैं ये 10,000 और लाख का भी हमने बचा लिया अगर हम करेंगे इस पकड़ में। और ये क्या है? ये है हमारे पास कुछ पत्थर, है ना? ये हमने यहाँ पर पत्थर इकट्ठे करने हैं। सबके पास स्लेट्स हैं और चौक। इसमें जो जो बच्चा लिख सकता है वो लिखेगा, है ना? तो मैंने इकाई पर डाल दिए हैं 3 पत्थर। तो यानी आप लोग को इकाई पर क्या लिखना है? 3। ढाई पर बड़ी डाल रही हूँ 4। तो ढाई पर क्या लिखना है? 4। सैकड़े पर मैं डाल रही हूँ 1 पत्थर, 1 लिखना है। और मैं 1000 पर डाल दे रही हूँ 2 पत्थर, 2143। क्योंकि 1000 पे क्या है हमारा? 2। सैकड़े पर क्या है? 1। और दाई पर क्या है? 4। और इकाई पर क्या है? 3। तो संख्या हमारी क्या बनी? 2100। आपकी इकाई पर क्या डाल रही हूँ? 5। दाई पर डाल रही हूँ 2। सैकड़े पर डाल रही हूँ 4। और 1000 पर डाल रही हूँ। अब आप लोग लिख लीजिए, 1000 पर 2 लिखी है 2425। पहले वाली संख्या हमारी क्या थी? 2143। अब आप ये बताइए कि इसमें एरो किधर लगा, कौन संख्या बढ़ी है आपकी? 2145 से 2143 बढ़ी है या 2425 बढ़ी है? 2425। ये ढाई, ये सैकड़ा, और ये इकाई, ये ढाई, ये सैकड़ा, और ये ठीक है। इधर की संख्या इधर लिखेंगे, इधर की संख्या इधर लिखेंगे, और जो संख्या बड़ी होगी वो मुझे बताएंगे कि कौन सी संख्या क्या है। अब मैं दूसरा नंबर देता हूँ सबको। लगाओ नंबर फिर से। इकाई कहाँ गया मेरा? इकाई ये। फिर अच्छा बताओ, ये वाला TLM तो सब बना सकते हैं ना अपने घर पर? ये अंडे की जो करेट होती है ये भी मिल जाए। इकाई पर डाल रहे हैं 2, इकाई पर 2, इकाई पर 2 डाला हमने। ढाई पर डाल दे रहे हैं 3, सैकड़े पे डाल दे रहे हैं 4, और 1000 पर इस बार छोटी 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 डिपियाँ ले लेते हैं। हम सौ डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1000 पर डाल दे रहे हैं 6। तो संख्या क्या बनी? 6432। अब दूसरी संख्या बनाते हैं। ढाई पे डाल रहे हैं 2, सैकड़े पे डाल रहे हैं 4, और 1000 पे मेरे हाथ में बचे कुल 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5422। क्या हुए? 5422। अब आप मुझे बताइए, इन सब में से मैं कौन सा वाला निशान कहाँ लगेगा? ये वाला कहाँ लगाऊँ बताओ? रख के बताओ मुझे कहाँ लगाऊँ? क्योंकि हमारी जो संख्या है वो 6432, वो बड़ी है 5422। ठीक है, चलिए। अब कोई यहाँ पर एक बच्चा चैलेंज देगा दूसरे को। चलिए आप संख्या डालिए। क्या लिख रहे हैं ये बताओ नंबर? ये नंबर क्या लिखा है मैंने? 7507। दूसरा नंबर क्या लिखा जा रहा है? अभी देखो, 746। ठीक है ना? क्या है? बराबर का लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ संख्या एक सी होनी चाहिए। चलिए अब संख्या बताइए क्या है? 6732। उधर क्या लिखा है? 6732। अब ये बताइए, सबको तुलना करना आ गया संख्याओं का? यस मैम। अच्छा, ऐसे खेल खेल में पत्थरों से भी संख्या करके देखते हैं। ये तो ऐसी चीजें जो हमारे सबके घर में होती है। ढक्कन सब क्या होते हैं? यस मैम। है ना, ढक्कन से हम ऐसे बना सकते हैं, अपना आप ही हम ढक्कन से बना लेंगे। इकाई, सैकड़ा, 1000 का, लाख का, और उसके नीचे संख्या लिखते रहेंगे अपने पास। सब ये लास्ट वाली संख्या क्या है? पहले मुझे संख्या पढ़ के बताइए क्या है? 98,568,402। तो इसमें कौन संख्या बड़ी है? 98,402। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है
और कौन सी संख्या छोड़ी है।